कलयुग यानी कि वर्तमान युग जिसमें अभी हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युगों के परिवर्तन का यह 22वां चक्र चल रहा है। बात उस समय की है जब पांडवों को वनवास हो गया था। महाभारत काल में जब पांडव द्युत क्रीड़ा में अपना सब कुछ गवा देते हैं, जब उन्हें वनवास जाना पड़ता है। वनवास जाने के पहले पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं और कहते हैं, हे भगवान, द्युत क्रीड़ा में हम सब कुछ गवा देने के बाद अब हम पांचों भाई द्रौपदी के साथ वनवास जा रहे हैं। लेकिन वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंत काल चल रहा है, अब आप हमें बताएं कि आने वाला कलयुग की चाल या गति कैसी होगी और उस समय के मानव कैसे होंगे, उनका क्या आचरण होगा, क्या व्यवहार होगा। पांडवों के मुख से ये सारी बातें और ये सभी प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर के लिए सोच विचार में पड़ जाते हैं और फिर श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं, इस समय मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, अभी तो आप सभी वन को जाएं और फिर वहाँ जो कुछ भी आप सबको दिखे वो आकर मुझे बताएं और तब मैं आपको सवालों का विस्तार से जवाब दूंगा और कलयुग में उसका प्रभाव बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में एक बार, सिर्फ एक बार, बड़े ही प्रेम से जय श्री कृष्णा भी लिख दीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा हम सभी पर बरसती रहे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई वन की ओर चले गए। तब उन्होंने वहाँ वन में जो कुछ भी देखा उसको देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये कैसे हो सकता है। और फिर कुछ समय बाद वो सभी वनवास बिताने के बाद भगवान श्री कृष्ण के पास लौटकर वापस आए, लेकिन इस बार पांडवों के चेहरे पर कई सवाल थे और वो किसी उलझन में नजर आ रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ऐसी दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी किस सोच विचार में मगन हैं, हमें बताएं, अगर संभव होगा तो हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर पांडव पुत्र युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि हे माधव, हमारी शंका उन दृश्यों को लेकर है जो हमने वन में देखा, उनकी कल्पना हमने कभी सपने में भी नहीं की थी। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सब एक एक करके मुझे विस्तार से बताएं कि आपने वन में ऐसा क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए, हे वासुदेव, मैंने तो पहली बार दो सूंड वाला हाथी देखा, यह मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था। अब आप मेरी इस शंका को दूर करें कि भला एक हाथी के दो सूंड कैसे हो सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो, आपने जो कुछ भी देखा उसमें हैरानी की बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि कलयुग में ऐसे लोगों का ही राज होगा जो दोनों ओर से लोगों का शोषण करेंगे। वो बोलेंगे कुछ और लेकिन करेंगे कुछ और ही, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और ही होगा। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा जो सिर्फ अपने ही हित की सोचेंगे। युधिष्ठिर के बाद अब अर्जुन की बारी होती है। तो अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई है, पर वह पक्षी का मांस खा रहा था। यह देखकर मैं हैरान हो गया, मैं कुछ समझ नहीं पाया। तब श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे पांडव पुत्र अर्जुन, तुमने जो कुछ भी देखा उसमें भी ज्यादा आश्चर्यजनक ऐसा कुछ भी नहीं था। कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान तो कहा जाएगा, जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वह ज्ञान विज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वह यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मेरे और हमारे नाम से अपनी संपत्ति कर जाए।
हे अर्जुन, व्यक्ति विचार करेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और उसकी संपत्ति कब हमारे नाम पर हो जाए, चाहे कितने भी बड़े लोग हों, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी, ऐसे लोगों की ही बहुतायत होगी। कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे ऊपर धन और संपत्ति होगा। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरे के धन को हड़पने या छीनने के लिए आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कुछ गिने चुने लोग ही कोई कोई ही होगा। अर्जुन के सवाल के बाद भीम अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि हे भगवान, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि वह बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। इसे देखकर मैं हैरान रह गया कि कोई माता बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तब श्री कृष्ण इसका अर्थ बताते हुए कहते हैं कि हे भीम, जैसा कि आपने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि वह बछड़ा लहूलुहान हो जाता है, ठीक उसी तरह कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। कलयुग में माँ की अपने बच्चों के लिए ममता इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएंगे। यदि किसी का पुत्र घर छोड़कर साधु बनेगा तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो माता पिता दुखी हो जाएंगे, विलाप करने लगेंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर चला जा रहा है, मेरा बेटा गलत रास्ते पे चला गया। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में बांधकर ही रखेंगे, इस तरह उसका जीवन वहाँ नष्ट हो जाएगा। फिर कृष्ण ने भीम को जीवन की वास्तविकता को बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नियों की अमानत हैं, और पुत्रियां तुम्हारी नहीं बल्कि किसी और की अमानत हैं। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है बल्कि परमात्मा की अमानत है, इसलिए तुम्हारा अपने शाश्वत संबंध का जानना आवश्यक है। भीम की जिज्ञासा समाप्त होने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण सहदेव से पूछते हैं कि सहदेव, तुमने वन में क्या देखा। तब सहदेव ने बताया कि मैंने यह देखा कि एक जगह पर कई सारे कुएं हैं और उन 5-7 भरे कुओं के बीच का कुआं एकदम खाली है, जो कि सबसे गहरा भी था। जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, हे कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है। फिर सहदेव को इसका अर्थ बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए बेटे बेटियों की विवाह उत्सव में, अन्य उत्सवों में बहुतायत में धन खर्च करेंगे, लेकिन किसी गरीब की मदद के लिए एक ढेला भी खर्च नहीं करेंगे। फिर चाहे वो गरीब उसका अपना सगा संबंधी ही क्यों न हो, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी की कोई रुचि नहीं होगी। कलयुग में लोग लड़के लड़कियों की विवाह में, मकान के उत्सवों में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं भरा है। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वो देखते रहेंगे, और दूसरी ओर अपनी संतुष्टि और व्यसन में धन खर्च किया जाएगा, मौज मस्ती, सुंदरता और जश्न में पैसे उड़ाए जाएंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे लेकिन गरीब लोग भूख से मरेंगे, अन्न के एक एक दाने को तरसेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐसो आराम चल रहे होंगे लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के ये कटु सत्य की बातें सुनकर सहदेव दुखी हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इसमें दुखी होने की बात नहीं है, जो लोग ऐसी आदतों से दूर रहेंगे उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा और वो सुखी रहेंगे। सहदेव के बाद आगे नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि हे श्री कृष्ण, जब मैं भ्रमण पर था मैंने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखा है। मैंने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से गिरती है और बड़े से बड़ा वृक्ष भी उसे रोक न सका। चट्टान लुढ़कते हुए नीचे आ रही है, वो कितने ही वृक्षों से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है।
इसके अलावा यह चट्टान कितनी ही अन्य चट्टानों के साथ टकराई, फिर भी वह उसे रोक नहीं सके। अंत में वह एक छोटे से पौधे से टकराकर रुक जाती है। वृक्षों के तने और चट्टान उसे रोक न पाए, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श मात्र से ही वह बड़ी चट्टान स्थिर हो गई। समझ नहीं पाया कैसे। तब इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण नकुल से कहते हैं, जैसा कि तुमने वन में देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से गिरती है और बड़े से बड़ा वृक्ष भी उसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाता, इसका मतलब यह है कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होती जाएगी, मानव का मन नीचे गिरेगा और उसका जीवन पतन हो जाएगा। और यह पतन उसके धन के शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन का पतन होना रुक जाएगा। बोलो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरि नाम से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी, हरि स्मरण से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मुक्ति का एकमात्र रास्ता होगा। अगर व्यक्ति धन का लालच छोड़कर भगवान की भक्ति में रम जाएगा, जिससे निश्चय ही उसे कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। अब ये तो थी पांडवों द्वारा बताए गए दृश्य और भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कलयुग के 5 कड़वे सत्य। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के कहे गए ये 5 कटु सत्य वास्तव में आज इस कलयुग में हर तरफ सत्य होता नजर आएंगे। बहरहाल कलयुग को अभी अपना काफी लंबा समय तय करना है और सतयुग के आने में अभी काफी लंबा समय बाकी है, तो क्यों ना हम लोग कलयुग में ही अपने धर्म और कर्म से सतयुग की तरह जीने का काम करें। क्योंकि ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे उन्हें सतयुग की तरह ही सुखों की प्राप्ति होगी, जहां फिर से धर्म का बोलबाला होगा, चारों ओर बस प्रेम ही प्रेम होगा, उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। तो ये थे भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कलयुग के 5 कड़वे सत्य। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ कमेंट में जय श्री कृष्ण भी लिख दीजिएगा, ताकि उनकी कृपा और आशीर्वाद हम सभी को मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।